चलिए लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन पेपर फर्स्टली देन वी विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर द थर्ड चैप्टर दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ओके तो सेट ए फर्स्टली फैट कंटेंट इन डबल टोन्ड मिल्क पहले ही उन्होंने मिल्क कह दिया है Available in polypacks is less than that in the toned milk. By which process this is done? ठीक है जी तो सेट ए का फर्स्ट का आंसर था सी एंड सेट बी के फर्स्ट का आंसर है अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड ग्राउंडनट ऑयल कैन बी सेपरेटेड बाय डी तो ऑयल एंड वाटर को तो आप सेपरेटिंग फनल से करते ही हो सेपरेट ओके थर्ड क्वेश्चन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ये भी मैंने आपको बताए हुए थे रटवाए हुए थे फिर भी अगर आप गलत करके गए हो सो द करेक्ट आंसर इज बी नाइट्रोजन आर्गन एंड ऑक्सीजन यानी कि नाइट्रोजन का सबसे कम है फिर उसके बाद आर्गन का फिर उसके बाद ऑक्सीजन सेट बी A teacher instructed three students ABC to prepare a 50% mass by mass. Mass by mass means हमने दोनों का mass mass लेना है, ठीक है? Solution of NaOH. 50% solution बनाना है NaOH का. P ने 50 gram of NaOH को 50 gram of water में dissolve कर दिया. Q ने 50 gram of NaOH को 100 gram of water में dissolve कर दिया. R ने 50 ग्राम ऑफ NaOH को 150 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर दिया अब आपने बताना है कि इसमें से कौन सा सॉल्यूशन जो है वो 50% मास बाय मास सॉल्यूशन क्योंकि उसने 50 ग्राम NaOH लिया है और 50 ग्राम ही वाटर लिया तो 50/50 रेशियो हो गई दोनों की ठीक है सो द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन दैट इज सी उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10th क्वेश्चन में टू सब्सटेंसेस ए एंड बी वर मेड टू रिएक्ट टू फॉर्म अ थर्ड सब्सटेंस ठीक है दो एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं और आपको कंपाउंड दे रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट यू हैव टू टेल इज इनकरेक्ट कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही नहीं है द प्रोडक्ट ए टू शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ ए एंड बी इनकरेक्ट है ना ये प्रोडक्ट नहीं शो करता वाटर बनता है तो वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी थोड़ा ना शो करेगा द प्रोडक्ट विल ऑलवेज हैव अ फिक्स्ड कंपोजिशन दिस इज ट्रू ठीक है द प्रोडक्ट सो फॉर्म्ड कांट बी क्लासिफाइड एज कंपाउंड क्योंकि वो तो कंपाउंड ही होगा द प्रोडक्ट सो फॉर्म्ड इज एन एलिमेंट ठीक है सो द आंसर इज सी सी में वो कह रहे हैं फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है ठीक है 12th क्वेश्चन वो बाद में डिस्कस कर लेते पहले यही कर लेते छोटा सा तो सेट था मोहन मेड थ्री सॉल्यूशंस ऑफ स्टार्च कॉपर सल्फेट एंड एलम इन थ्री डिफरेंट बीकर्स ठीक है स्टार्च का कॉपर सल्फेट का और एलम का सॉल्यूशन बनाया गया है इसमें से कौन से सब्सटेंसेस या सब्सटेंस जो है वो सॉल्यूशन बनाएगा ट्रू सॉल्यूशन किस किस का होगा एलम का स्टार्च का कॉपर सल्फेट एंड स्टार्च का और कॉपर सल्फेट एंड एलम का देखो एलम भी डिसॉल्व कर जाएगा बट अकेले एलम में कॉपर सल्फेट भी हमने लेना है क्योंकि कॉपर सल्फेट भी डिसॉल्व करेगा स्टार्च नहीं डिसॉल्व करेगा सो द करेक्ट आंसर इज कॉपर सल्फेट एंड एलम बोथ दे विल शो द सॉल्यूशन 16 इसमें आपने मैच करना है करेक्ट आंसर को जिसमें आयरन आपके पास क्या है ऑप्शन में आयरन इज अ मेटल ब्रोमीन इज अ नॉन मेटल जर्मेनियम इट इज अ मेटल वाटर तो इस अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन बनता है ए ऑप्शन इज करेक्ट Tincture of iodine has antiseptic properties. The solution is made by dissolving iodine. So the correct answer is D.
26, which of the following is not a chemical change? Not a chemical change. ठीक है, इसमें से आपने बताना है कि कौन सा केमिकल चेंज नहीं है. हाँ जी, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ केमिकल चेंज, डाइजेशन ऑफ फूड इज अ केमिकल चेंज, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज अ केमिकल, बॉइलिंग ऑफ वाटर इज नॉट अ केमिकल, दैट इज अ फिजिकल चेंज. सो अगेन 26 का भी करेक्ट आंसर है डी. इन विच ऑफ द फॉलोइंग द डिस्पर्स्ड फेस इज गैस फॉर्म. So the correct answer is A. ठीक है जी. Aerosol में गैस हो जाएगी, जेल में लिक्विड हो जाएगा और सोल्स में सॉलिड. Assertion reason. Assertion: a solution is a homogeneous mixture of two or more chemically non-reacting substances. And reason is solution is prepared by combination of two same states of matter. क्योंकि जरूरी नहीं है कि दोनों सेम स्टेट्स वाले ही कंबाइन करें, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स वाले भी तो कंबाइन करते हैं. सो सी इज द करेक्ट आंसर. 33, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इन्वॉल्व्स फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इन्वॉल्व्स रिपीटेड इवेपोरेशन एंड डिस्टिलेशन एंड एक्सप्लेनेशन में करेक्ट क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो एक्सप्लेन ही नहीं किया उन्होंने. सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन. दे हैवंट डिस्क्राइब यू द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि उसमें इवेपोरेशन हो रही है, डिस्टिलेशन हो रही है, कोई बॉइलिंग पॉइंट्स का डिस्कस ही नहीं किया उन्होंने. नेक्स्ट असर्शन, अ सॉल्यूशन कैन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट. द पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर. Assertion is false and reason is true. So the correct answer is D. Case study question. Which of the following can't be purified by the process of sublimation? Very good. Baki sari cheeze sublime. Sublimation can be used to separate out. A non-volatile liquid from volatile liquid, a non-volatile solid from a volatile solid, volatile liquid from non-volatile solid, volatile solid from non-volatile liquid. Solid. B is the correct option. Liquid छोड़ना लेंगे हम sublimation वाले method में. दो solid चीजें ही लेते हैं, एक volatile होती है और एक non-volatile होती है. Mixture of ammonium chloride and common salt can be separated by heating the solid mixture in china dish covered with inverted funnel. ठीक है, तो सारा सब्लिमेशन का प्रोसेस है. 39, कलर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड बोथ वाइट. सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टेकन फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ एंथ्रासीन सैंड एंड कॉमन सॉल्ट. वेरी गुड. इसमें से एंथ्रासीन जो है वो सब्लाइम कर जाएगा, तो पहले आपने उसको निकाल लेना है. फिर बचे आपके पास सैंड और कॉमन सॉल्ट, फिर उसमें पानी ऐड करो, सॉल्ट डिसॉल्व हो जाएगी और सैंड निकाल लो. फिर उसके बाद क्या करेंगे? ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द सेट ए. एनी डाउट टू एनीवन? ठीक है जी, ये सेट हो गया क्लियर. किसी को कोई डाउट है बेटा? Okay, coming to the set B now. 10th question. Which of the following statements are true for the pure substances? उसमें से बताना है आपने true कौन सी है. Pure substances contain only one kind of particles. Is it true? True. Pure substances may be compounds or mixtures. Pure substances are the same composition throughout. Pure substances can be exemplified by all the elements other than nickel. So, कौन से ऑप्शन है इसमें? First and third is true. Which one is most likely to exhibit Tyndall effect? इसमें से कौन सा Tyndall effect exhibit करेगा? Sugar and water mixture,
नो. पोटाश एलम एंड वाटर, नो. चॉक पाउडर एंड वाटर, यस. पोटेशियम परमैंगनेट एंड वाटर, ठीक है. बाकी सारे सॉल्यूशंस हैं. एक चॉक वाला जो है वो क्या है, सस्पेंशन. मैच द करेक्ट आंसर्स. सॉल्ट सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन. हेयर क्रीम, एमल्शन. स्मोक, चॉक वाटर. सो इस अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन इज करेक्ट. जेली इज वेरी टेस्टी. द कोलाइडल इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग. मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है, जो हम पहले वाला लिखते हैं वो हमेशा डिस्पर्स्ड फेस होता है, उसके बाद जो लिखते हैं वो डिस्पर्शन मीडियम. तो जेली में सॉलिड ज्यादा शो होता है और लिक्विड पार्ट कम होता है, ठीक है. तो डिस्पर्स्ड फेस कौन सा है? लिक्विड है. सो द ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, सो लिक्विड इन सॉलिड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज? मैग्नेटाइजिंग अ पीस ऑफ आयरन, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर स्पून, तो आपसे वही पूछा, इज नॉट अ फिजिकल चेंज. केमिकल. मैग्नेटाइजिंग ऑफ पीस ऑफ आयरन, आप उसको डीमैग्नेटाइज कर सकते हो. हाँ, बी ऑप्शन इज द करेक्ट. टार्निशिंग ऑफ सिल्वर स्पून, ठीक है, दैट इज अ केमिकल चेंज. कटिंग ऑफ ग्लास, ग्लास को कट कर लो फिर भी वो ग्लास ही रहता है. सेविंग, सॉइंग ऑफ वुड, नॉट सेविंग, सॉइंग ऑफ वुड, वुड को काट लो तभी वो वुड ही रहती है, ठीक है. सो ओनली बी इज द करेक्ट आंसर, टार्निशिंग ऑफ अ सिल्वर स्पून. इन विच ऑफ द फॉलोइंग द डिस्पर्शन मीडियम इज गैस? एरोसोल. नाम से पता चलता है, एरो वर्ड आ गया इसमें, इसका मतलब क्या है, उसमें गैस है. नेक्स्ट इज 31, 33 and 34. Milk is a pure substance. Milk can be separated by physical processes into its components. A, B, C, D. So D, according to you, is D answer correct? Naphthalene can be separated from its mixture with sodium chloride. Naphthalene changes directly from solid to liquid state on heating. ठीक है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन. एसर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स. उसके बाद ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक, इज इट ट्रू? ट्रू. अलॉयज आर होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर मेटल्स, ट्रू. ठीक है, अब इसमें दोनों करेक्ट हुए हैं, ए वाला भी और बी वाला भी. ठीक है, जिन्होंने ए भी लिखा है वो भी करेक्ट है, जिन्होंने बी लिखा है वो भी करेक्ट है. ठीक है, थर्टी सिक्स. विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड टू गेट द सेल्स? सेंट्रीफ्यूगेशन, बताया हुआ है पहले, मेडिकल पर्पसेस के लिए हम इसको यूज करते हैं. 36 ये collidal particles can't be normally seen by naked eye. Scattering of light occurs when a beam of light is passed through blood. Water में से भी नहीं दिखेगी, copper sulfate में से भी नहीं, और sodium chloride. बाकी सारे solution. In which of the following dispersed phase is liquid and dispersion medium is gas? Cloud, gel, smoke, soap bubbles. Cloud. क्लाउड में ये डिस्पर्स फेस लिक्विड और डिस्पर्शन मीडियम क्या है? गैस. विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन और सॉल्यूशंस शो टिंडल इफेक्ट? एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोप, शुगर, मिल्क और सोडियम क्लोराइड. इसमें से सोप और मिल्क वाला जो है वो टिंडल इफेक्ट शो करेगा. सो द करेक्ट आंसर इज. ठीक है जी, एनीवन हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क नाउ. पेपर आई गेस इजी था, कोई इतना भी डिफिकल्ट नहीं था. ठीक है ना, पकड़ना बेटा. बाकी अगर आपने ध्यान से सारा कुछ क्लास में सुना होगा, इट इज वेरी इजी टू अटेम्प्ट, बिकॉज लॉजिकल थिंग्स हैं जो आप क्लास में सुनते हो. एक्वस है, जिसको एक्वस का ही मतलब नहीं पता होगा, ठीक है, ही और शी कांट सॉल्व दैट.
ठीक है, तो आपको एक्वस का पता होना चाहिए, टिंडल इफेक्ट, नो मेन फिनोमिना से आपके टॉपिक रिलेटेड थे, ठीक है जी। चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट विद एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, दिस इज आवर नेक्स्ट चैप्टर। वन थिंग अबाउट दिस चैप्टर, सबसे पहले बोरिंग नहीं है बिल्कुल भी, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, ठीक है, इंटरेस्टिंग है, इसमें न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, इसमें कंपाउंड फॉर्मेशंस आएंगी, ठीक है, और वो आपको तभी आएंगी जब आपने थोड़ी सी चीजें अपने दिमाग में पहले डाल ली, ठीक है, वो तभी आएंगे, थोड़ी सी, जस्ट थोड़ा सा चीजें हैं वो आपने अपने माइंड में हर वक्त रखनी है। ड्यूरिंग द होल चैप्टर यू हैव टू रिमेम्बर दोज थिंग्स, और क्रैम नहीं हम करने को कहेंगे आपको, क्रैमिंग हम पहले भी नहीं कहते थे, अब भी नहीं, ठीक है, लॉजिकल रीजंस हैं हमारे पास, पॉइंट्स हैं हमारे पास, निमोनिक्स हैं, आपको उसके थ्रू हम आपको रिवाइज करवाएं, ठीक है, ओके। क्रैमिंग कुछ नहीं करना है, बस वो याद रखना है, पेपर के टाइम पे भी आपने लास्ट शीट पे वो ड्रॉ कर लेना है, उस पे बेसिस पे सारा आपका चैप्टर, ठीक है जी। नाउ वन थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर, जो आप पढ़ के आए हो बट फिर भी हम रिवाइज करेंगे, दैट इज द स्कीम ऑफ 1 to 20 एलिमेंट्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 to 20 एलिमेंट्स की स्कीम, और ये चैप्टर इट इज अ बेस फॉर योर 10th स्टैंडर्ड, 10th में जाओगे सबसे पहले इसी चैप्टर की जरूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि इसमें आपको फॉर्मूलास लिखने पड़ेंगे, ठीक है, समझ रहे हो, उसमें आपको फॉर्मूलाज लिखने पड़ेंगे, फॉर्मूलाज आप यहाँ पर पढ़ के जाओगे जो आगे आपको हेल्प करे, ओके। सो चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, कोई इसमें आपको डेफिनेशंस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने फॉर्मूला बनाना है, ठीक है, सीधा 1 नंबर मिल जाए, ठीक है ना, टर्म 2 के लिए, राइट, ओके, जो आपका सब्जेक्टिव होगा तो सीधे आंसर्स मिल जाने हैं आपको, हम कोई ऐसी इलैबोरेशन नहीं देखेंगे, आपने इसको इलैबोरेट नहीं किया, आपने उसको इलैबोरेट नहीं किया, न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल के आंसर्स ठीक है, तो करेक्ट है सारा कुछ, ओके। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द स्कीम ऑफ 1 to 20 एलिमेंट्स, द फर्स्ट एलिमेंट इज हाइड्रोजन, इधर मैं सिंबल लिखूंगी, इट इज हैविंग सिंबल H, हीलियम HE, स्मॉल ई डाला, और ये नॉमिनेचर के रूल्स हैं कि अगर आपके एलिमेंट्स के 2 अल्फाबेट्स हैं तो हमेशा पहला वाला आपने कैपिटल लिखना है और दूसरा वाला स्मॉल लिखना, ठीक है, नोट डाउन दिस थिंग, किसी भी एलिमेंट के सिंबल्स के अगर 2 अल्फाबेट्स हैं तो पहला वाला सिंबल हमेशा कैसे लिखना है आपने, कैपिटल, और दूसरा वाला हमेशा कैसे लिखना है, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, ठीक है जी, सोडियम, मैग्नीशियम,
एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर लिख लो पहले इसमें जब लिख लोगे बेटा बता देना स्कीम आएगा तो आपको याद ही होगी आई हेलो बी बी सी न्यूज ऑफ फ्रांस नेगा नागा मैजिस्ट्रेट सिल्ली शुड क्लियर अरिथमेटिक पेपर केयरफुली ठीक है तो ये स्कीम है बस पेपर में पीछे लिख लेनी है और मैक्सिमम चीजें आपकी इसमें कवर होगा बाकी हम करेंगे साइड बाय साइड आपको सारे एलिमेंट्स वैसे भी याद हो जाएंगे इन केस नहीं होती है फिर हम स्कीम जो है वो लिख सकते हैं अदरवाइज जितनी बारी हमें करना है हर बार इन एलिमेंट्स को बोलते ही जाना है तो हो जाते हैं एट द एंड ठीक है जी हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर अब उसके बाद नेक्स्ट लिख लेते हैं तीन जो रह गए फिर अब कर दो फर्स्ट थ्री सेवेंटीन इज क्लोरीन ठीक है जी क्लोरीन का क्या सिंबल होता है बेटा देन आर्गन पोटाशियम एंड कैल्शियम ठीक है जी वो पूरी कर लेते हैं स्कीम शुड क्लियर अरिथमेटिक पेपर ठीक है जी तो उसमें से हमारे एलिमेंट्स कैसे आ रहे हैं वी वांट सीएल वी वांट एआर पी पी नहीं याद रखना है आपने के याद रखना है पी से के याद रखना है पोटेशियम का पी है ठीक है केयरफुली में सी ए लेना है हमें ओके बीबीसी तो ये तो आपको याद हो जाएगा न्यूज का एन ले लेना है ऑक्सीजन का अगेन ओ फ्लोरीन फ्रांस का अकेला एफ एन ई का नेगा का एन ई यहाँ पर एन ए यहाँ पे एम आर जी ठीक है ए एल ऑल का ए एल ओके सिली में एस आई पी का अकेला पी एस का अकेला ठीक है जी तो ये हमने सिंबल्स जो है वो अपने सेलेक्ट कर ले ठीक है अब मैंने आपको होमवर्क दे दिया है
फॉर द नेक्स्ट टाइम ये थीम आपके टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है? हाँ, ये सारा सीक्वेंस में याद करना है। हाँ, वन थिंग मोर, जैसे एलिमेंट्स की नंबरिंग की है ये वैसे ही लिखने हैं आपने, आगे पीछे नहीं करने हैं, इसीलिए स्कीम दी गई, ठीक है? स्कीम को लर्न करना है। हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज ऑफ फ्रांस नेगा नागा मैजिस्ट्रेट ऑल सिली पीपल शुड क्लियर अरिथमेटिक पेपर क्लियर। अब उसके अकॉर्डिंग आपने एलिमेंट्स लिखने की कोशिश करनी है कि आपको एलिमेंट्स फर्स्ट 20 याद हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है? बट लास्ट में जब आप पेपर तक जाते हो तब तक हम इनकी इतनी बड़ी रिविजन कर लेते हैं कि आपको ऑन ऑलरेडी टिप्स पे हो जाते हैं कि इनके बिना भी आप लिख सकते हो, ठीक है? क्योंकि इतनी बड़ी हम लिखेंगे बोलेंगे बार 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 वही चीजें, क्योंकि एक ही चैप्टर है फिर से, तो आपके टिप्स पे चली जाएंगे, नहीं गई फिर उसके लिए स्कीम दी गई, ठीक है? पेपर में स्कीम लिखनी है बस, राइट? और मैक्सिमम आपके क्वेश्चन इसमें से निकल आए मैक्सिमम। अभी हमने सिर्फ एक पार्ट लिखा है, ठीक है? यहाँ यहीं से मैंने आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स करवाने हैं, मास नंबर कैलकुलेट करना बताना है, कॉन्फिगरेशंस बतानी है, इसी स्कीम में से सारा कुछ, ठीक है? तो फाउंडेशन है, इसको हमने अच्छे से याद कर, ठीक है?